अस्सलाम वालेकुम अप्पी, क्या आप आज मैविश है? अगर आप आज मैविश है तो मेरी वॉइस का जवाब दें। जी मैं आरजे महविश हूँ, लेकिन आप कौन हैं और कौन सी सिटी से हैं, अपना नाम बताइए। वैसे तो मैं किसी की वॉइस का जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन आप गर्ल हैं इसी वजह से अच्छा हुआ। ये देखकर खुशी हुई कि एक लड़की मुझसे बात करना चाहती है, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे मर्द और लड़के ही तंग करते हैं। तो प्लीज़ सिस्टर आप बता दें आपका नाम क्या है और आप कौन सी सिटी से हैं। जी मैं मुल्तान सिटी से आयशा बात कर रही हूँ। अच्छा आयशा, कैसी हैं आप? मुल्तान में मौसम कैसा है? गर्मी बहुत पड़ रही है या बारिशें वगैरह हो रही हैं? अभी गर्मी तो है पर बारिशें भी हो रही हैं। अच्छा जी, गर्मी भी है और बारिशें भी हो रही हैं, सही है, हमारी तरफ भी बारिशें हो रही है। आयशा तो आप क्या करती हो, पढ़ती हो या घर में रहती हो, और मैरिड हो या अनमैरिड हो? नो अभी मैं अनमैरिड हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा नो तो आपने ऐसे कहा जैसे आपने कभी मैरिड ही नहीं करनी। अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई आयशा आपसे बात करके। अच्छा जी, आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है? नहीं आपकी कोई इरादा नहीं है शादी का, भी पढ़ रही हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपके मकसद में। अच्छा जी, कितने तक पढ़ना चाहती हो और क्या बनना चाहती हो आप? अभी मैं भी आपकी तरह बहादुर बन के एक अपना नाम बनाना चाहती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको कहाँ से बहादुर लगती हूँ मुझे ये बताओ आप। मैं तो बहादुर नहीं हूँ, मैं तो बुजदिल हूँ। अगर मैं बहादुर होती तो मैं अपने शौहर का सामना करती, और मैं डरपोक हूँ, मैंने अपने शौहर को उसके हाल पे छोड़ दिया। बस इतनी बहादुर हूँ कि अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी मैंने अपने हाथ ले लिया, और अल्लाह पाक बेहतर जानता है सिस्टर के मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि अपने बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल अच्छा कर जाऊँ। आप ही, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, मैं आपकी फ़ैन हूँ। अच्छा जी, इतनी प्यारी सी छोटी सी मेरी फ़ैन पता नहीं निकल कहाँ से आई। आज तक तो सारे मर्द ही मेरे फ़ैन निकलते हैं, यकीन करो आयशा। इतने लड़के मुझे तंग करते हैं और इतने आदमी मुझे तंग करते हैं ना कि मैं, यकीन करो, इतनी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। दिन में हज़ारों कॉलें, हज़ारों मैसेज, इसी वजह से मैं व्हाट्सअप भी ऑन नहीं करती हूँ। लेकिन आज पहली बार किसी प्यारी सी लड़की ने मुझसे बात की, दिल को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में आयशा कामयाब करे, आमीन। आप ही मुल्तान कब आ रही हैं मुझे ये बताएं। अच्छा जी, मैं मुल्तान कब आ रही हूँ? मुल्तान तो मैं आती जाती रहती हूँ, पता नहीं अब मुल्तान कौन सी जगह से हो आप। इंशाल्लाह जब आऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर रब्ता करूँगी, तो तुम्हारे इसी नंबर पे कॉल करूँगी, फिर आके आगे मुझे ले जाओगी ना? या नहीं ले जाओगी? आप ही जब आप आने लगे तो मुझसे रब्ता कर लेना, मैं अपने भाई के साथ आकर आपको ले जाऊँगी। चले जी आयशा, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अभी मैं बिज़ी हूँ, इंशाल्लाह फिर रब्ता करूँगी, ठीक है ना? फिर आप मुझे मैसेज करना। आप ही, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आरजे मैविश से बात हुई, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। क्यों, आरजे मैविश भी तो आप जैसी इंसान है, जैसे आप इंसान हो वैसी भी मैं इंसान हूँ। लेकिन बस जो लोग तंग करते हैं मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। आज तक एक लड़की और है सोनिया, वो भी मुझसे कभी कभार बात कर लेती है। आज दूसरी मेरी और बहन बन गई आयशा, इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर बात होती रहेगी। तो और कोई हुक्म हो तो बताओ, नहीं तो फिर अभी मैं बंद कर रही हूँ डेटा। नहीं आप ही, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। आयशा एक बात की आपसे ना मुझे इजाज़त लेनी है, क्या आपके जो वॉइस मैसेज हैं मैं अपने चैनल पर अपलोड कर सकती हूँ अगर आप परमिशन दो तो? क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ़ैन्स होती हैं, वो लोग मेरी रिकॉर्डिंग्स जो भी मेरे चैनल पे या मुझे कोई कॉल करते हैं ना तो मैं उनकी अपलोड कर देती हूँ। उनकी परमिशन ले के ही, उनकी इजाज़त ले के ही मैं अपलोड करती हूँ, तो काफ़ी लोग फेक समझते हैं। तो आज पहली बार आपने मुझसे बात की, दिल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो क्या आपके वॉइस मैसेज जो है ना मैं अपने वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर सकती हूँ? आप इस बात की मुझे इजाज़त दे रही हैं? ज़रूर आप ही अपलोड कर दें, मुझे तो दिल ही खुशी होगी। ओके तो आयशा, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी और अपनी वॉइस जो है ना अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, आप ज़रूर सुनना, ठीक है ना? शाम को तो इसके साथ ही फिर बात भी शाम को होगी, अभी मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ। ओके आयशा, अल्लाह हाफिज़। शाम को आप ही पक्का आपने मुझसे बात करनी है। ओके जी, ओके आयशा, मैं बात करूँगी, पक्की बात है, पक्का वादा हो गया, इंशाल्लाह शाम को बात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके आप ही, अल्लाह हाफिज़।
जी तो दोस्तों, ये थी आयशा मलिक मुल्तान से मेरे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इन्होंने मुझसे बात की और इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग अपलोड करने की भी मुझे परमिशन दी। सो इसीलिए गलत कमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।